कहूंगा कि मैंने यहाँ चाहे यहाँ का मुख्यमंत्री हो, अभी बल्लभगढ़ में आया था, चाहे यहाँ के मौजूदा सांसद हो, मंत्री हैं सरकार में, उन लोगों ने आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ा रखी है। देखिए, मैं जानता हूँ कि इनेलो का आधार जब तक चौधरी देवीलाल की विचारधारा थी तब तक इनेलो का आधार था। अभी इनेलो पार्टी का उनकी विचारधारा से हट गई है, तो मैं लगता हूँ वो किसी से गठबंधन करें ना करें उनका आधार नहीं है। के टोटके और नाटक और जो कुछ करते हैं वो जनता के हित में कोई कार्य नहीं करते, वो जनता को पीड़ित करते हैं, जनता की भावनाओं को छेड़खानी करते हैं उसके साथ, उनको सिर्फ वोट के लिए वो कुछ ऐसे निर्णय करते हैं। मैं नहीं समझता, देश के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा, इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, लेकिन फरीदाबाद का सेवक हूँ, कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। यहाँ के लोग ज़्यादा दिन तक किसी की तानाशाही, अहंकार और जुल्म और जासूसी को बर्दाश्त नहीं करते। इस कृष्ण पाल ने और इसके मामा भांजों ने जितना यहाँ लूट खसोट, जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पूरे फरीदाबाद को लूटा है, पलवल जिले को मिलाकर, अब इनको कोई वोट देने वाला नहीं। मैं भारत दर्शन नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि मैं पार्टी के हरियाणा की कांग्रेस में को एकजुट करने का मेरा प्रयास रहेगा। वो फार्मूला मेरे पास है, फार्मूला मैंने लागू करा दिया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सब कांग्रेस को एकजुट करके कह दिया है कि एकजुट होकर तभी हम जीते, जब कांग्रेस हरियाणा से हारती है जब ही देश में हारती है, और जब हरियाणा में कांग्रेस जीतती है तो देश में भी उनकी सरकार बनती है। मैंने तो बीजेपी से कभी टिकट मांगी नहीं थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछ रहे, प्रदेश अध्यक्ष से, मैंने बीजेपी से कभी टिकट नहीं मांगी, ना कभी एप्लीकेशन दी कि मुझे टिकट दे दो। उनका फैसला हुआ, उन्होंने मुजफ्फरनगर के मीरापुर भेजा तो पार्टी का फैसला था, गया। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी ने मुझे मेरठ भेज दिया था, मैं मेरठ गया। अब पार्टी का जो फैसला होगा, जिन लोगों को उम्मीदवारों को यहाँ टिकट मिलेगी, मैं पार्टी के लिए काम करूँगा। ठीक है, हम चाहते हैं पूरा कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी तो 10 की 10 सीट जीतेगी।